हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ आपके लिए छोटी दिवाली के दिन। आज है तारीख 30 अक्टूबर 2024। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द सीरीज दैट आई एम मेकिंग टुवर्ड्स दिवाली स्टॉक्स। कल मैंने अपने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको 3M दिया था। आप देख सकते हो वो स्टॉक ने आपको एक फिनोमिनल ब्रेकआउट दिया। टुडे देर वॉज नो साइन दैट द स्टॉक मे बी बाउंसिंग, बट इट डिड बाउंस एंड इट गेव अ ब्रेकआउट ऑफ अबाउट 3%। एनीवे, इस वीडियो में मैं आपको दो और स्टॉक दूंगी, बट अगेन जैसे मैं आपको हमेशा बोलती रही हूँ कि आप कैसे अपना मनी मैनेज करते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं, ट्रेड मैनेज करते हैं, दैट डिफाइंस हाउ सक्सेसफुल यू विल बी इन द स्टॉक मार्केट एंड हाउ विल यू ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग इन योर जर्नी टुवर्ड्स फाइनेंशियल लिटरेसी। तो सीखना, मनी मैनेज करना, ट्रेड मैनेज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने करीब 6 या 7 स्टॉक्स निकाले। आप अपनी कैपिटल को डिवाइड करिए और अपने इन 6-7 में से भी आपको जो सबसे अच्छे लग रहे हैं वैसे 3 स्टॉक्स निकालिए और उनमें छोटी छोटी क्वांटिटी लगाइए। नीचे गिरता है तो और एक्यूमुलेट करिए, ऊपर चला जाता है, बैरियर क्रॉस होते हैं तो आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। एनीवे, अभी जो मैं आपसे बात करने चाह रही हूँ, मैं मेरे रडार पे 2 स्टॉक्स हैं जिनको कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो जो सेकेंड वाला स्टॉक है उसके फंडामेंटल बहुत बहुत शानदार है। तो मैं पहले आपके साथ फर्स्ट स्टॉक शेयर करती हूँ जिसको कि पहले हम स्टडी करते हैं। द स्टॉक नेम इज JKIL, जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ये कुछ 5,807 करोड़ की कंपनी है। पी इज रफली अबाउट 16.2 एंड ROC इज अबाउट 18.4%, ROE इज अबाउट 13.2%। और अगर हम बात करें तो देर आर सम कॉन्स ऑल्सो। द कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी एंड कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ 2,812 करोड़। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, बट जो भी इंफ्रा कंपनीज होती है इन जनरल उनके पास ऐसी लाइबिलिटीज होती है। सो जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, इंजीनियरिंग, इरीगेशन प्रोजेक्ट, सिविल कंस्ट्रक्शन एंड पाइलिंग वर्क एक्सेट्रा। The company undertakes the design and construction of elevated and underground metro projects, road flyovers, bridges, and other civil construction activities on a turnkey basis. It is amongst the top 5 EPC players eligible to undertake underground metro projects and amongst the few companies qualified to undertake elevated and underground metro project. Inka revenue mix ki baat kare to metro se inko 40% milta hai, flyover and bridges se 49% and civil वाटर एंड अदर्स से इनको 11% मिलता है। और इनके मेजर क्लाइंट्स जो है महाराष्ट्र में 74%, NCR 15%, तमिलनाडु 6% एंड अदर्स अबाउट 5%। और क्लाइंटेल की बात करें तो सिडको, DMRC, MMRC, MSRDC, NHAI, JSW, MMRDA, टाटा स्टील, इंडियन ऑयल एक्सेट्रा इनके क्लाइंट्स हैं। अब जल्दी से चल के इनकी सेल्स देख लेते हैं। तो अगर हम क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो इनकी सेल्स लगातार ग्रो कर रही है। 772 करोड़ से बढ़ के 1,292 करोड़ हो गई है। और जहां तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 110 करोड़ से बढ़ के 118 करोड़ हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो वो स्टैग्नेंट एट अबाउट 14-15%। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3 साल में इनके नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गए, 41 करोड़ से बढ़ के 90 करोड़ पे आ गए। और अगर हम EPS की बात करें तो 5 से बढ़ के EPS इसका 11.92 हो गया, ऑलमोस्ट लाइक डबल। अगर इनकी बात करते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 2013 में 1000 करोड़ का इनका रेवेन्यू था जो बढ़ के 5218 करोड़ का हो गया, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 5 times। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 17 से घट के 14% पे आ गए। बट इनका EPS लगातार ग्रो कर रहा है। EPS जो कभी 13.62 होता था वो बढ़ के 43-47 पे आ गया है। और रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स आर 2,750 करोड़ एंड बोरोइंग्स आर अबाउट 781 करोड़। इट्स अ हेल्दी रेशियो। अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो लगातार कैश जनरेट हो रहा है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर हम बात करते हैं कि इनके प्रॉफिट्स, दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट, नेट कैश फ्लो इज पॉजिटिव, डेटर डेज थोड़े से रिड्यूस हुए, 99 से 89 पे आए। और ROC जो है 22 से घट के 18% पे आ गई है। और जहां तक प्रमोटर्स होल्डिंग की बात है वो 46.64 पे कॉन्स्टेंट है। FIS ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा इंक्रीज किया है। DI stable है 16.58% पे and public भी stable है। अब चल के इनके प्राइस को देख लेते हैं। तो ये आपके सामने वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में इस स्टॉक ने आज बहुत बहुत शानदार सपोर्ट लिया है फ्रॉम इट्स पास्ट रेजिस्टेंस और वहीं से इसमें बाउंस आया है। और अगर आप नोटिस करना चाहें तो प्राइस इज रेगुलरली इन द अप ट्रेंड। प्राइस जो है स्टॉक का लगातार ऊपर की तरफ ही चलता चला जा रहा है।
अब इसको इसमें आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, कहीं पे भी आप ले सकते हैं। एवरी टाइम इट फॉल्स ऑन द ट्रेंड लाइन यू कैन एक्युमुलेट सम क्वांटिटी। इफ इट क्रॉसेस 767 आप इसमें बाय कर सकते हैं। आपके टारगेट इसमें 900 प्लस के आते हुए दिखाई देंगे, और 900 क्रॉस होता है तो आपको 1000, 1100, 1200 ये सारे टारगेट्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो पहला स्टॉक इस पार्ट में है JKIL। दूसरा स्टॉक जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो बहुत शानदार स्टॉक है, बट पब्लिक आई से दूर है, राइट? पब्लिक इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती है। द स्टॉक नेम इज शिल्चर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, द कंपनी नेम इज शिल्चर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी 5,402 करोड़ की है। पी रफली अबाउट 50, आरओसी इज अबाउट 74.6%, आरओ इज अबाउट 55.5%। ये लोग काम क्या करते हैं, दे आर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम टेलीकॉम एंड पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स, एंड कंपनी हैज रिसेंटली वेंचर्ड इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेराइट ट्रांसफॉर्मर्स। अगर इनके जियोग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो डोमेस्टिक रेवेन्यू है 48% का, एक्सपोर्ट से आता है 52% का रेवेन्यू। इट एक्सपोर्ट्स इट्स प्रोडक्ट टू वेरियस कंट्रीज लाइक यूएसए, कैनेडा, द मिडल ईस्ट एंड द अफ्रीकन नेशन सच एज कीनिया एंड नाइजीरिया। और इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें, द कंपनी हैज अ कैपेसिटी ऑफ 4000 एमवीए एज ऑफ मार्च 31, 2023। इट हैज लैंड एरिया ऑफ 7,50,000 स्क्वायर फीट एंड अ प्रोडक्शन एरिया ऑफ 1 लाख स्क्वायर फीट। द सेगमेंट दैट दे केटर टू द इज द प्राइवेट यूटिलिटी कंपनीज, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर विंड एंड हाइड्रल सीमेंट्स, शुगर, स्टील एंड हाइड्रो कार्बन इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट डेवलपर्स एटसेट्रा। और कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, द फाइव डोमेस्टिक कॉन्सेंट्रेशन 54% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड लेट्स गो ऑन फर्दर एंड स्टडी इनके सेल्स वगैरह कैसे हैं। द कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज गिवन अ गुड क्वार्टर, हैज डिलीवर्ड अ प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 64%, हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी एंड डेटर डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 115 टू 86.1 डेज। सेल्स की बात करें तो 2021 से 32 करोड़ से बढ़के 131 करोड़ हो गई है, और जहां तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 2 से बढ़के 41 हो गए, 20 गुना प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 6% से बढ़के 31% पे आ गया है, और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़ से बढ़के 33 करोड़ पे आ गया, और ईपीएस की बात करें तो 1.84 से बढ़के 42.9 पे आ गया। व्हाट फंडामेंटल्स आर यू लुकिंग एट? ईयर ऑन ईयर से बात करें तो 73 करोड़ से बढ़के आज तक इनके इस साल में 461 करोड़ की सेल है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 4 करोड़ से बढ़के 134 करोड़ पे आ गया है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो 6% से बढ़के 29% पे आ गया है। ईपीएस की बात करें तो 1.7 से बढ़के 141.37। दैट्स द काइंड ऑफ फंडामेंटल्स दिस कंपनी होल्ड्स। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स लगातार आप देखिए बढ़ते चले जा रहे हैं, फ्रॉम 17 करोड़ टू 249 करोड़, एंड 2023 से कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दैट इज पॉजिटिव, प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशन आर पॉजिटिव, एंड आप देख सकते हैं नेट कैश फ्लो इज ऑल्सो पॉजिटिव इन द लास्ट टू क्वार्टर्स। और डेटर डेज की बात करें तो देर इज हैज बीन अ रिडक्शन 100%, और ओसी की बात करें तो 11% से बढ़ के 75%। प्रमोटर्स होल्डिंग 64% के आसपास है, FIs की होल्डिंग 3.22% है, DIs की होल्डिंग ज्यादा नहीं है, गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.53% है, और पब्लिक की होल्डिंग 32.22% है। अब इसके प्राइस को भी स्टडी कर लेते हैं। द स्टॉक इट्स अ BSE स्टॉक, इट्स नॉट एन NSE स्टॉक, एंड द स्टॉक हैज बीन इन एन अप ट्रेंड बहुत समय से। स्टॉक लगातार, मेरे को लगता है कि देयर मस्ट बी सम फूल्स लाइक मी हु डिडंट नो अबाउट द स्टॉक, बट मेनी पीपल पीपल हु अंडरस्टैंड मार्केट आर रियली ट्रैकिंग द स्टॉक, एंड स्टॉक हैज बीन इन अप ट्रेंड। और मेरे हिसाब से ये स्टॉक ऐसा है जो आपका पोर्टफोलियो स्टॉक होना चाहिए। 7,000 के आसपास इसकी कॉस्ट है, और अभी क्या किया इसने, वीकली कंसोलिडेशन ब्रेक करके रीटेस्ट करने आया है। अगर ये स्टॉक आपको नीचे मिलता है 5,760 के आसपास, आप अच्छी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, बट अगर ये ऊपर चला जाता है, आज के हाई को ब्रेक कर देता है और पास बैरियर को ब्रेक कर देता है, तो ये रुकेगा नहीं, ये स्टॉक जो है आपको अच्छे ट्रेंड में आ जाएगा, और आपको 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 ये सारे टारगेट इसमें बहुत जल्दी मतलब एक साल के अंदर आपको आते हुए दिखाई सकते हैं। और ये गुड क्वालिटी स्टॉक, गुड क्वालिटी स्टॉक आपके फंड आपके पोर्टफोलियो में हमेशा होना चाहिए। ये मेरा लास्ट स्टॉक है फ्रॉम दिस दिवाली टू नेक्स्ट दिवाली, और इन सारे स्टॉक्स को आप रडार पे रख सकते हैं। कुछ 8-7-8 स्टॉक्स निकाले मैंने आपके लिए,
They are all fundamentally very strong. There are very minimum red flags in all of them. And they are technically as well as fundamentally looking very strong. So keep them on radar and do your risk management, trade management, money management. अगर market गिर जाता है तो आप lower level पे accumulate कर सको, इसलिए आप अपनी पूरी capital मत deploy करो. With this, I'll be signing off and wishing you all the most wonderful year ahead. आप सबको नए साल की हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं, और आने वाला नया फाइनेंशियल ईयर आप लोगों के लिए बहुत बहुत प्रॉफिटेबल हो. आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखें और अपनी अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करें. विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ. आपकी हेल्थ, आपकी आपके स्वास्थ्य और प्रॉस्पेरिटी की शुभकामनाएं करते हुए और आप लोगों के लिए प्रे करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ. लाइव ट्रेडिंग में फिर मिलेंगे ऑन 1 नवंबर इन द मोर ट्रेडिंग. ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू देन.